अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
संत सुन सरे संतो निहाल सरे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ की ओर अपने आप को लगाई जा रही है अंतागर को निर्मल की जा रही है। आप कुछ भी हो जाए आप तैयार हैं, आप तैयार हैं जी सरकार मेरे नेक जी तैयार हैं। दुख हो सुख हो हानि हो लाभ हो मान हो अपमान हो संयोग हो वियोग हो जीवन हो मरण हो यू आर ऑल प्रिपेयर्ड। तो क्या आपने असलियत की पहचान कर ली मेरे देवियों ने असलियत। अब आपको क्या होगा मन मन की दशा ये बन जाएगी सदा मेरा पैगम उसे ध्यान कर। अब जिसे नहीं मैं कहूंगा उसे ध्यान अब उसका मन महाराज जी में लगेगा और कहीं लगाया भी नहीं लगेगा असलियत को जान लिया बस दुनिया फीकी पड़ जाती क्या दीदार हो जाने के बाद। जब भगवान की असलियत जानी और संसार को भी जाना मानो प्राण बड़ी चोटी की अवस्था। सुख के दिन आए और अपनी मर्यादा में रह जाए और उल्टे दिन आए तो भी अपनी मर्यादा में टटोलते रहना अपने मन को समझाते रहना मनवा संसार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद न रख। अगर आप उम्मीद रख भी लेंगे और पूरी हो भी जाएगी तो वो सदा एक जैसी नहीं रहेगी फिर वही आपकी आशा आपको निराशा में डालेगी। सजनों वही आशा निराशा में डाल देगी। आज की आशा कल की निराशा आज की उम्मीदी कल की नाउम्मीदी है। इसलिए दाना आदमी संसार से किसी प्रकार की उम्मीद ही नहीं रखता। दाना बेटियां अपना मन उपराम कर रही थी संसार विश्वास के काबिल नहीं है क्योंकि ये सदा एक जैसा नहीं रहता। आज तक संसार किसी के साथ एक जैसा ना रहा फिर भी मूर्ख आदमी इसी पे मरती हैं लट्टू होती हैं अपना क्या बिगाड़ बैठती हैं। जैसे कबीर जी ने कहा वाह दीन गवाया दुनिया से तूने अपने भगवान को गवा दिया दुनिया रखने के लिए पर दुनिया न चली साथ पांव को लाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ। एक को रखने के लिए तूने भगवान को दिया लेकर दुनिया तो साथ देती दुनिया भी साथ देती शरीर भी साथ ही देता ये भी जा रहा है जिसको हमने अपना बनाया वो भी जा रहा है। किसी को पकड़ लो आप भगवान भुलाई बैठेंगे हाँ किस कारण दुनिया तो दुनिया भी तो जा रही है। हाँ दुनिया का एक एक प्राणी एक पदार्थ जो हमें बड़ा अच्छा लगता है वो भी जा रहा है फिर जी चाहता है फिर भक्ति क्यों ना करूं। अगर कोई भी चीज स्टेशनरी और स्टेबिलाईज नहीं है तो हम सबके लिए उचित यही हो जाता है कि फिर भक्ति करें और भक्ति उसकी होती है जो अपना मन संसार से उठाए बैठा है क्योंकि भक्ति करने वाला फैक्टर तो माइंड है। अगर मन उलझा हुआ है संसार में तो भक्ति करेगा कौन। अगर मन वहां से उपराम होगा पर दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्ती होने लगेगी क्या भक्ति के अंदर। क्योंकि अब आपका मन डिसंगेज हो गया क्या संसार से ऐसा छूटा हुआ मन भगवान का प्यारा बन जाता है। ऐसा हटा हुआ मन भगवान का प्यारा बन गया। सही समझ लो इस संसार को मेरी देवियों यथार्थ रूप में जानो ये संसार क्या है। ये संसार विश्वास के काबिल नहीं है क्यों क्योंकि चलायमान है इसके इसको बनाने वाला कह रहा है अनित्यम असुखम। लो अब अगर माने गए सुख आए आप मर्यादा में अगर कोई दुख के दिन आए तो मर्यादा में तो मन क्या होगा मन भजन हाय ये प्रभु चाहते हैं आपसे। सुख के दिन आए आए दुख के दिन आए पर आप अपने मर्यादा में रहिए आप अपने आप में रहिए समुन्द्र में कितना टनोटन पानी गिरे मर्यादा में और बुखारात बन के पानी निकल जाए तो भी मर्यादा में इससे सागर की तरह सुख के दिन आए तो क्या दुख के दिन आए तो क्या और फिर आपकी साधना बन गई आपकी भक्ति बन गई आपका मन दृढ़ हो गया आपका मन अब चलायमान नहीं होगा वरना अगर बात बात में चलायमान होगा तो भक्ति तो बढ़ती नहीं।
एक बार अपने मन का तवासन खराब करो, कितने घंटे लग जाते हैं पहली अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए कितने दिन लग जाती है। छोटी सी बात आप बहन से बिगड़ गई, हाँ अब जरा घड़ी देख के देगा कितनी देर लगेगी मन को फिर उस बात पे आने के लिए। और जिसने अपने मन को पहले ही पक्का कर लिया वो इंसान सर जिस पे इनका नहीं खुशी से जो खुश हो न गम से हसीन सुनर्जन कायम दिल उसका मन, उसका मन पक्का हो गया। ऐसा बनाने की चेष्टा करना, अगर गीता के द्वारा आपने अपने लोक पर लोक बनाना है देवी तो अपने लिए अपने मन को पक्का कर लो। जहान में तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हमारे अनुकूल है कभी प्रतिकूल है, कभी प्रिय घटना है कभी अप्रिय घटना है, ये तो होंगी भाई ये संसार में चलेगा। पर हिम्मत वाला वो है जो भगवान का सहारा लेता है, जहान का सहारा नहीं लेता, घटनाओं का सहारा नहीं लिए बैठा, मन ही मन में अपने प्रभु के सहारे अपनी जिंदगी काट रहा है। उसकी भक्ति बढ़ गई, वो भगवान की नजरों में आदर मान ले गया, उसे भगवान दिव्य शक्ति प्रदान करने लग जाती है जिसपे इनका असर नहीं होता। आहा करना भी बच्ची आज सब कुछ आपके अनुकूल है लेकिन मन को तैयार करो, हमेशा तो आपके अनुकूल नहीं रहेगा। आज शरीर बुद्धि मन आपके अनुकूल है हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, वातावरण आपके अनुकूल है हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। फिर तैयारी करनी चाहिए, फिर मन को मजबूत बनाना चाहिए, मन को पक्का बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मन ठीक रहेगा तो अभ्यास होता रहेगा, हम जुटे रहेंगे लगे रहेंगे। आज जाके विचार करना क्या मेरा मन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, सब ये वातावरण हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, तो इसमें प्रभाव न पड़े, हम वर्ल्ड प्रूफ बन जाए, शॉक प्रूफ हो जाए, ये तभी होगा जब मन मजबूत कर लिया जाए विचारों से विवेक से वैराग से। तब मेरे भगवान कह रहे हैं वो मेरा बहुत प्यारा है, अब कुछ अनुकूल दिन आती है तो भी घबराता नहीं, प्रतिकूल दिन आती है तो भी वो डावाडोल नहीं होता, ये भक्त मेरा बहुत ही प्यारा, ये बहुत ही अच्छा हो गया। ये दशा ही कुछ मेरी जबान से वर्णन नहीं हो सकती, ये वर्णन अतीत अवस्था है, अकथनीय अवस्था है मेरी देवियों। अनुभव करते जाओ, अपनी अवस्था गीता जी के अनुसार बनाने की चेष्टा करो, अगर देखे तो मुझसे न्याय नहीं हो रहा, अपने अंतर्यामी इष्ट देव से हार्दिक प्रार्थना कीजिए, बार बार प्रार्थना कीजिए मेरी ये अवस्था बना मेरे श्याम सुंदर। अगर मैं सच्चाई का पुतला हूं और अपनी भक्ति में सच्चा और पक्का हूं तो मेरी अवस्था बना मेरे इष्ट देव, ऐसे गिर गिरा के प्रातःकाल कहा करो, क्योंकि वो अंतर्यामी है आपके इष्ट देव है, गिर गिराओ प्रेम के अश्रु बहाओ और कहो प्रभु मेरी भी ये अवस्था बना, लाखों की तेने बिगड़ी बनाई कनकाना अब मेरी भी बिगड़ी बना, इष्ट देव कृष्ण अब मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरा भी मन पक्का हो जाए। और वो भी भगवान कह रहे हैं शरीर छोड़ने से पहले, हिम्मत की बात ये है जैसे इम्तिहान आने से पहले अपनी कमजोरी दूर कर लो, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस कह रहे हैं शरीर के पिंजरे को जिसने नहीं छोड़ा और इन सारी कमजोरियों को जिसने अपने अधीन कर लिया है, बकअप बकअप बकअप, कितना सराहनीय है वो, भगवान की नजरों में कितना प्यार पाएगी वो जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया पक्का बना लिया, जो होता होने दो हाय जो कुछ होता हो जाए, हम तो आपके मार्ग पे लगे रहेंगे, हम तो आपके मार्ग में जुटे रहेंगे, शाबाश चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां पर न रुकेंगी दीवानों की टोलियां। ऐसों के लिए भक्त इस अध्याय के श्लोकों के माध्यम से ये सुस्पष्ट समझा रहे गए कि अंतःकरण को कैसे बनाना है। इसी तरह जैसे आप सिलाई सीखती हैं तो आपने कमीज सीनी है, सीनी सिलाई कमीज आपके सामने है, अब आपने देख देख के नाप नाप के इतने बाजू इतना निचला हिस्सा इतना इस साइड का हिस्सा इतना बैक या बना रहे, आसान है सीनी सिलाई कमीज आपके पास है। भगवान एक शानदार अंतःकरण जो प्रभु के दर्शनों के योग्य है हमारे सामने रख रहे हैं कि इस तरह हमने अपने आप को बना लेना है, बहुत आसान आपके लिए, संसारियों के लिए तो ना भगवान है और ना ही कोई भक्त है और ना ही कोई गीता है, उनके लिए तो कंचन है कामनी है कीर्ति है, इसलिए वो पैदा हुए गए और इसी में ही अपने शरीर छोड़ जाएंगे। भगवान ने आपको दिया है बहुत अच्छा अवसर, आपने इसके गहराई में उतर जाना है, बार बार भगवान से प्रार्थना कीजिए, देवियों शरीर जा रहे गए अब हम काफियों के जीवन की शाम आ गई, भारत के भारत का शरीर भारत में मिल जाएगा,
हम अब पुषार्थ करें कि फिर पता नहीं अवसर मिलना है कि नहीं बारहवें अध्याय के सुनने का। एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। सियाने कहेंगे जब उम्र 50 तक हो जाए तो बिल्कुल आदमी एक और हो जाए, और जब 60 पर पहुंच जाए तो तैयारी कर ले, जैसे गाड़ी और इंडर सिग्नल जो है क्रॉस करके आ गई तो काफी उम्र 60 को क्रॉस करती जा रही है तो बिल्कुल तैयार। और तैयार कौन से भी घोड़े पीड़ने है या कोई सामान क्या करना है, अंतःकरण को तैयार करना है। और आप जैसे जिनके सत्वगुण बढ़ गया है उनकी ही तैयारी करना आसान है, मुश्किल नहीं। मुश्किल उनके लिए है जो अभी नए इस मार्ग में, आपको तो वर्षों गुजर गए हैं सत्संग सुनते हुए, और बड़ा आसान आपके यह है क्या, सुकेड़े जो हार शायद से अपने हवा, जहां जहां हमने मन फैलाया था मेरे ज्ञान सुन लो उनसे खींच लेना है, जहां जहां जिस के साथ कैसे खींचे, कोई रस्सा थोड़ा है, नहीं विचारों से बंधे हुए हैं, विचारों से खींच लें, जहां जहां मन था अपना मन खींच लें, ये सब भगवान की अमानत है, ये भाव वहां बिठा दें। अगर माँ जी के साथ, पिता के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ था, ये सब आपके दो बच्ची हैं, होने हार है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन खींच लो अपना मन, ये भगवान की अमानत है। मैं कोई लेके आया था या मैं कोई लेके पैदा हुई थी या पहाड़ों से आई थी तो मैं लेके नहीं आई थी, ये यही क्या है, इन्हीं क्या है, यही रह जाएंगे, मेरे जैसे कई आए और कई छोड़ के चले गए, ये भाव मन में पक्का कर लीजिए, बस मेरे नहीं भगवान के, मन आपका हट जाएगा। यह प्राणी पदार्थों का जो फैलाया मन, अब ये तो बाह्य रूप से, यही एक तरीका हमारा वैदिक धर्म में ऋषि कह गए, फैले हुए मन को कैसे हटाए, मेरे नहीं भगवान के है, भगवान को छीनने नहीं, जब लेना होगा उनका समय निश्चित है, लेकिन हमने जो तैयारी करनी है कि ये सब भगवान अभी बैठे बैठे ही हो सकती है, इस तैयारी में कोई बहुत दिन नहीं लगते, सिर्फ विचारों की बात है, ये मेरे नहीं मेरे भगवान के है, तो जो मन फैला हुआ था निकल जाएगा। नंबर दो पे तैयारी जो हमने मन में रखा है ये सब निकाल देने है, जो मन बार फैलाया था उनको छोड़ देना है कि ये भगवान के मेरे नहीं, और जो मन में रखा ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये राग, ये द्वेष इत्यादि, ये निकाल देने है, ये तो बड़ी जल्दी निकाल देनी है, तो बस जब नहीं समझती अब समझ आए बस छुट्टी। बड़े शर्म और लानत की बात है हमारे जैसों के लिए अगर मर के छोड़ा तो, जिंदगी में रहते हुए छोड़ दे, यही हमारे भगवान का फरमान है, एड़ी चोटी का जोर मार के भगवान से शक्ति लेके पूरा कर दिखाओ, ना छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो हवस। इन सारों को पहले हमने मन में रखा था अनजाने रूप में बार मन फैलाया था, खींच रहे हैं ये कहते हुए भगवान की अमानत है, और अंदर हमने ही गंध फैलाया था पर गंध नहीं समझा था, अब पता लग गया ये हानिकारक नकारात्मक वृत्तियां हैं, हाँ आपने रखी है तो ये है, वरना खड़े हो जाओ मुझे बिल्कुल ना बोलने दो, वृत्तियां नहीं टिक सकती अगर आप आज्ञा न दी तो, आपने रखी है काम क्रोध मोह गंदी वृत्तियों को पाला है तब ये अंदर है, आपके मन में हो जाए वैराग नहीं हानिकारक है मेरे प्रलोक को बिगाड़ रही है गई, अगर आप इनको आदर ना दी तो गए। कई मित्रों को आप चाहते हैं तो बार बार आपके घर में आके आपका टाइम बर्बाद करती हैं, मुंह ना लगाओ, ज्यादा बातचीत ना करो, हंस के ना बोलो उनके साथ, खत्म संसारी प्रीत जो मित्रों के साथ इर्द गिर्द की जो खून के रिश्ते नहीं है, हंस के ना बोलो, ज्यादा समय ना दो उनके, हाँ में आना मिलाओ, ज्यादा टाइम मिलो नहीं बार बार, खत्म और वही के वही खत्म, जो अंदर की वृत्तियां हैं उनको इस तरह खत्म कर देंगे, गलती थी ना हमारी जो हमने इनको पाला, छोड़ दो पड़े, ये है बाखुशी शरीर छोड़ने की तैयारी। और कोई पता नहीं, ये तो मैं उम्र के लिहाज से कह रहा हूं, वैसे तो कोई पता नहीं किसका कब समय आ जाए, इसलिए अब जब ये बिटे जाएंगे उसकी जगह ये गुण ले लेंगे, गुण नहीं आ सकते जब तक अवगुणों को हम निकाल ना दें। एक मेरे भैया कह रहा था गुण आएंगे अवगुण चले जाएंगे, छिछी गुण आएंगे अवगुण चले जाएंगे, नहीं कमंडल में अगर दाल पड़ी है तो दाल निकाल के कमंडल धो के तब इसमें दूध लिया जाएगा, ये नहीं कि दूध आएगा तो दाल चली जाएगी, ये गलत, दूध फट जाएगा, बर्तन तो एक ही है हमारे पास, अंतःकरण का बर्तन एक ही है, पहले इनको निकालना होगा, दूध की महत्ता देकर के जब दाल की जरूरत थी हमने दोपहर को दाल खाई और खूब खाई अब बच गई है तो बस अब इसे हम किसी पशु के आगे डालते हैं वो खा लेगा, हम हमारे काम की दाल नहीं है, तक बर्तन एक ही है, उसको मांझ देंगे सफा करके दूध लाएंगे। अब अंतःकरण में हमने भगवान के गुण रखने हैं, और जब गुण आ जाती है तो ये दृष्टांत याद रखना जो मेरे महापुरुष ने मुझे दिया, बेटे गुण क्या काम करती है, ये दृष्टांत हमेशा याद रखना, कान खड़े करके सुन लो, जब अवगुण निकल गए तो गुण आएंगे,
तो गुण क्या काम करेंगे, जैसे क्षितिज यानी आकाश पर सवेरे पौना घंटा पहले लालिमा या लाली आती, उसके बीच में सूर्य निकलते हैं, जब ये गुण आएगी तो लाली काम इन्हीं बीच में से दीदार होता है भगवान का। हाय, सूर्य उदय होने से पहले लालिमा का आना बहुत जरूरी अनिवार्य है, उसी में से इन्हीं गुणों में से महाराज जी ने प्रकट होकर आपका कल्याण कर देना है, क्योंकि गुणों का घर भगवान जी है। सूर्य क्या है? रोशनी का घर, लाली का घर सूर्य देवता है। तो ये जो लालिमा छा गई है खितज पर, इसी में से सूर्य निकलना है। कैसे? लालिमा किसकी है? सूर्य की तो है, ये लालिमा और किसी की नहीं है। पीछे दूर सूर्य देवता उदय हो चुके हैं, उनकी लालिमा है। वह थोड़ी देर के बाद ये लालिमा किसी और की नहीं, सूर्य देवता की। बेटी ये लालिमा किसी और की नहीं है, सूर्य देवता जरा दूर है, उसने लालिमा छोड़ी है। अब धीरे धीरे करके नजदीक आएगा, उसी लालिमा में से प्रकट होगा। तो ये जो गुण आ जाते हैं, ये जो बता रहे हैं, ये गुण किसकी है? मेरे माँ बाप के नहीं, आप किसी देवी देवता के नहीं, ये किसकी है? ये नारायण के गुण है, लालिमा की तरह इन्हीं गुणों में से भगवान ने प्रकट होना है। नहीं समझ आती इससे पूछो, यही बातें तो पूछने योग्य होती है। ये बातें आप तो बस समाज में नहीं ली जाती, क्योंकि वो अपनाने वाले नहीं, वो तो बोलने वाले गए, उन्हें टाइम पास करना, हमने तो जीवन अपना सफल करना है। हम तो गीता के अनुसार अपने जीवन को बला रहे, एक एक बात की गहराई में उतर जाओ कि गुण क्यों अपना है। इन्हीं गुणों से तो प्रभु ने प्रकट होकर हमारा कल्याण कर देना है। जैसा हम कह सूर्य ना निकले, कैसे ही सूर्य पैर निकले, लालिमा लालिमा से सूर्य निकलेगा, पर सूर्य है उसी की लालिमा आ रही है और उसी में से प्रकट हो जाएंगे। तो पहले गुण, फिर क्या? जिसके गुण है गुणवान, गुण से गुणवान, धन से धनवान, विद्या से विद्यावान। हाय, बिल्कुल गुण से गुणवान, धन से धनवान, इस तरह भगवान क्या है? गुण से गुणवान। गुणों का घर तो भगवान जी है, इसलिए पहले अवगुणों को क्या फेयरवेल कीजिएगा, क्या नहीं चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं मेरी देवी, अवगुण तब तक है जब तक आपने रखा हुआ। अगर आप न रखें तो कोई चीज रह नहीं सकती। तो रख के दिखाओ, पति कितना प्यारा होता है, आपका आधा अंग होता है, पत्नी कितनी प्यारी होती है, सब कुछ कुर्बान पत्नी के लिए, पति के लिए। लेकिन ना बने तो मैं जो बड़ी हैरानगी होती थी, मैं इस लाइन में गया नहीं, बड़ी हैरानगी कि आप कचहरी में खड़े होकर तलाक देते हैं, आप स्त्री पति पत्नी को फेंक देती है, जैसे कि तिनके को हाथ से निकाल के ये फेंक दिया। डाइवोर्स का मतलब क्या? कभी संबंध बनाया था और कभी संबंध को तोड़ने को बोलते हैं विच्छेद, संबंध विच्छेद। तलाक को हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलती है, या डाइवोर्स को अपनी हिंदुस्तानी बोली बोलेंगे, हिंदुस्तान भाषा में संबंध विच्छेद, संबंध के मैंने टुकड़े कर दिए। विच्छेद होता है जैसे सब्जी को लीजिए, आपके पास है कोई सब्जी है, उसको चाकू मारी, यहां 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 बैंगन के चार पांच टुकड़े हो गए, विच्छेद होकर टुकड़े हो गए। विच्छेद छेद विच्छेद है, डिवाइडेड सब डिवाइडेड, डिवाइडेड फिर टुकड़ा किया, टुकड़े का फिर टुकड़ा, टुकड़े का फिर टुकड़ा, उसे विच्छेद बोलते हैं। पहले हमारे पास एक चीज कागज है, एक कागज में दो टुकड़े किए, फिर दो के मैं चार कर दूं, ये हो गया भाग विभाग विच्छेद। फिर पहले हम इतने जुड़े हुए थे कि तू अलग थोड़ी है, मित्र से अलग थोड़ा हूं, और अब अगर नहीं देना चाहता विच्छेद डिवाइडेड, इतना चोटी का पाक साफ, रिश्ता खत्म, अगर आप ना चाहें तो। शबाश, ये सिर्फ हमने, हम चाहते हैं तब ये हमारे पास है, हम ना चाहें अब ये गंदी वृत्तियां हैं, हम ना चाहें ये टेक नहीं सकते। ये जो माताएं मेरी बोलती हैं ना, मैं चुप कर जाता हूं, कभी कभी बोलता नहीं हूं, सीरियस हो जाता हूं कि आपके दिन नहीं अच्छे, तो चली जाएंगी बस फिर नहीं जाएगी। अगर आप ये कहेंगे चली जाएंगी, इनको तो मौका मिल गया ठहरने का, इनको तो मौका मिल गया, चली जाएंगी, आप मुझे बता दो जाएंगे कब। आपने ये लगाया, एक बहुत अच्छे मालिक मकान थे, किराएदार के पास आए, भाई तूने 12 साल रहा, अब मेरे लड़के बड़े बड़े हो गए, मैं दोबारा तेरे पास नहीं आना। हाँ, मकान खाली करना है या नहीं? जरूर करना है, आप बहुत अच्छे मालिक हैं, कर दूंगा। कब करेंगे? डेट मुकर कर दो, मैं उसके भी 2 दिन बाद आऊंगा। बड़े नेक है आप, फलानी डेट को, बहुत अच्छे, बिल्कुल ही मैं आपके पास इससे पहले आऊंगा, ये मजा आ गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि चले जाएंगे कब, कोई जवाब नहीं आपके पास, गंदी मिट्टी चाहिए कब,
मन शर्मिंदा, मन छोड़ना नहीं चाहता, पर इसके छोड़े बिना गुण ही नहीं आएंगे तो कल्याण कैसे होगा? शाबाश, अगर आगे से बदली ना जाए तो हमें सूर्य की लाली में कैसे नजर आएगी? बदली तितर बितर हो तो हमें लाली में दिखाई दे, मेरे सजनों मेरी देवियों। तो अब ये अवगुण हमारे से निकले, गश्ती गश्ता गच्छंती हो तब जाकर के गुण अपना जगह ले। लेकिन अगर आप विचारवान हैं और विवेकवान होकर कल्याण चाहती हैं तो इनको अब खैर बात कह दो, बड़े जन्म इनको रख के हम जलील हुए, खराब हुए, अब नहीं, बस ये गए। आप देख के दंग रह जाएंगे, भगवान का शुक्र मनाएंगे कि आप अगर इनको इंपॉर्टेंस या महत्ता नहीं देती, ये टेक नहीं सकते। किसी को महत्ता ना दो, टेक नहीं सकता। किसी को महत्ता मत दो, कोई आपके आंगन में ठहरेगा, घर बार में गली मले में, लेकर आपको अंदर महत्ता ना दो, मन में ठहर नहीं सकता। महत्ता देती है कोई वस्तु हमारे अंदर आती है, और महत्ता हम भूल से देती है। अब तो काफी उम्र गुजर गई, 50 से ऊपर होती जा रही, अब केवल 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 भगवान को महत्ता दे दी, केवल भगवान करे आप कल्याण के लिए आप आती है, केवल भगवान को, भगवान के बनाए संसार और संसार में रहने वाले रूपों को महत्ता नहीं देनी। इस शरीर में भी रहते हुए हमने बहुत साल इनको महत्ता दे दी, अब उचित समय हमारा, ये समय समय अनुसार हर बात अच्छी लगती है, कोई बात बालकपने में अच्छी लगती है, कोई बात युवावस्था में अच्छी लगती है, कोई बात प्रौढ़वस्था में, लेकिन ये सारी बातें वृद्ध अवस्था में अच्छी नहीं लगती। जो लक्षण हमने पहले किए वो वृद्ध अवस्था में अच्छे लगेंगे। वृद्धावस्था में क्या चलते, सबसे किनारा कशी, सबसे अपने आप को खींच लेना, और बाहरी रूप में कैसे खींचे, जंगलों में जाना ना, मानसिक रूप में ये पक्का करें मेरे है ही नहीं, ये तो मेरे भगवान के हैं, भगवान तो यही चाहते हैं, बेटी प्रभु तो यही चाहते हैं, मेरे बुजुर्गों मेरे धार्मिक भाइयों, अपनी छाप हटा लो, अपनी मोर लगानी छोड़ दो, मेरे नहीं मेरे भगवान के, मेरे नहीं मेरे भगवान के, मेरे प्रभु के हैं, अमानत थी मेरे पास, मैंने मांगे थे, मैंने आज भी छोड़ना, मैंने कल भी छोड़ना, बस मन अंतर में आ जाएगा। सुकेड़े जो हर शय सी, ये वो अवस्था है। अब मैंने अभी भी कहा अंदर में गोता मार लो, जब बाहर से मन सुकड़ जाए, अब अंदर ये खोटी वृत्तियां अब नहीं ठहर सकती, अब नहीं, जो ही आपने जोरदार कहा अब नहीं, अब उसकी जगह गुण ले लेंगे। अब गई, ये नहीं कि 10 दिन लगने, 10 घंटे लगने हैं, नहीं, ना 10 दिन ना 10 घंटे, नहीं ठहर सकती आपके अंदर, मेरी भूल थी तो मैंने रखा हुआ था, अब मैंने रियलाइज कर लिया मेरी अपनी बड़ी भारी गलती थी, गई ना। मैं तो अभी भी रिश्ता बताया है कि अगर महत्ता ना दो तो पत्नी नहीं, पति नहीं, वो उसको संबंध विच्छेद कर देती है, उसके समझ देती है, अगर नहीं तो, नहीं तो ना सही, छोड़ो पड़े, आपका मन कितनी जबरदस्त है, हटा दीजिए, मैं स्पष्ट कहता हुआ जा रहा हूं आगे, तब गुण आएंगे। पहले बाहर से अपने मन को खींचिए, अच्छा, फिर जहां जहां भी आपका मन लगा हुआ है, फिर अंदर गोता मारो, पहले बाहर से, ये तो वही हाल है जैसे फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने आते हैं, बिल्कुल वही तरीका है, पहले वो बाहर की आग बुझाती हैं, फिर वो पानी का फुहारा लेकर फौरन अंदर घुसते हैं, अग्नि आग कहां से रही है, सामने कोठे में से गए हम, लेकिन पहले वो बाहर की आग बुझा के तब अंदर जाएंगे ना, पहले हमारा जो मन बाहर फैला हुआ था उसे खींचेंगे, फिर फौरन फायर ब्रिगेड वालों के अंदर जाएंगे। ये अंदर क्या हो रहा है, अंदर के कारण से ही तो, अंदर की आग ही तो बाहर आई, अंदर की गंदी वृत्तियों के कारण से तो हमने फैलाव किया है, तो बारी बारी आग को पहले बुझाएंगे फिर अंदर रूप में। बस ऐसे जीव को भगवान कहती है वही गए मेरा भक्त, समझ लो मेरे से, ये बात पूर्ण पेन समझ आई, गीता है, रामायण नहीं, भागवत प्राण नहीं, भागवत प्राण भगवान की जीवनी है, रामायण मेरे प्रभु राम की जीवनी है, और गीता हमारी ब्रह्म विद्या है, हमारी इंडियन साइकोलॉजी है, इंडियन उच्च कोटि की फिलॉसफी है, इसको समझने के लिए एकाग्रता चाहिए, बुद्धि विकसित चाहिए, बिल्कुल जैसे भगवान ने एकाग्रता दिया, गीता सुनी भी ऐसे स्थानों पर जानी चाहिए जहां शोरगुल ना हो, जहां चुपचाप हो, बिल्कुल मन एकाग्र हो, भगवान ने चुन के आपके लिए स्थान बनाया है, वृक्षों के बीच में जैसे मां की गोदी में बच्चा बैठा, प्रकृति की गोदी में हम बैठे हुए हैं, चुन के स्थान दिया भगवान ने हमें, दूर भी गए पर आपकी श्रद्धा के कारण से दूर है भी नहीं, बिल्कुल शहर से कैंट से एकदम दूर, और इस दूर में जाकर के हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, बड़ी अपना लता के मुझे भी शाबाश मिले भगवान से,
और आपको भी मुझे शाबाश मिले कि मैंने पूर्ण तरह समझाई और आपको शाबाश मिले कि आपने समझ के अपना ली। मुझे समझ, मुझे भगवान कहेंगे जितनी तुझे मैंने अकल दी तुझे समझा दिया, इस तरह खुश हो जाएंगे मेरे पर और आप पर खुश हो, जितनी आपने समझी आपने अपना लिया, आपने ढाल लिया, शाबाश। पति खुशी हुए पत्नी पर कि तूने फुलके बहुत अच्छे बनाए, उसको शुभ भावना देने लगे और पति उसको जो है शुभ भावना दे करके अपने बड़ा सराहना की कि बहुत अच्छी नारी है, तो देवी है। और इधर अपनी बेटी को भी प्यार करने लगे जो खा रहा, बेटी माने जैसे फुलके दी तो बड़े आराम से खा लिया, यही हाल हमारे परम पिता का होगा। मुझे खुश होंगे तूने विस्तार पूर्वक समझा दिया बहुत अच्छी, और आप पर खुश होंगे कि आपने जो समझा उसको अपना लिया। गीता को अपनाया जाएगा तब रंग लाएगी, सुनने से नहीं। मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, रामायण को सुन लिया कल्याण हो जाएगा, बेशक मुझे गिन गिन के गालियां निकालो, मैं हक में नहीं हूँ, ऐसा मैंने देखा नहीं। मैं वही बात कहूँ जो मेरे अनुभव में आई, आप भागवत पुराण सुन लो, नहीं कल्याण हो सकता। अगर किसी ने कहा है तो उसको उसके पास जाओ, आप कहते गंगा में गोता मारे कल्याण हो जाएगा, शास्त्र में लिखा है, लेकिन मैं कितना नलायक और मूर्ख हूँ, नहीं था कभी होता हुआ गंगा में गोता मारने से, नहीं। या भगवान ने गीता जी में एक नहीं दो बार कहा होता, भगवान तो कहती है जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरी वाणी को अपनाता नहीं, या वो कहता है कि भर भर के ट्रक ले जाओ गंगा जी के अंदर, ये तो नहीं कहा, ये तो कहते ना बीच में ये कह दिया कि नहरों में गंगा मैं हूं, लेकिन यहां तो ज्ञान गंगा है, हमने तो वही बात मानी जो भगवान ने कही, सुनना है सुन लिया, सुनने तो कुछ बनता ही नहीं, सुनने तो भगवान ने स्पष्ट हमें रुवा दिया है, सुन सुना कर भी क्या बात छोड़ी है भगवान ने, वाणी का मतलब क्या है विचार, हम कहते हैं गीता वाणी क्या मतलब विचार, और हमारे अंदर क्या है विचार, ये विचार डाल के उन विचारों को बाहर निकाल दे तब है मजा। सुनी जाओ सजनों, मैं तो हाथ में हूं नहीं, मैं तो एक स्पष्ट भगवान का प्रेमी हूं, जो अनुभव किया वो बताऊंगा। ये हमारे धर्म स्थानों में अखंड पाठ चलती है, रामायण का चल रहा है, भागवत पुराण का चल रहा है, गुरु ग्रंथ साहब का चल रहा है, इसी को ठोस लाभ भी है, कोई भी नहीं सोचता, अंधाधुंध भाग के जा रहे हैं, हजारों लाखों में पैर लगाए, इससे लाभ क्या होगा, क्या वातावरण शुभ होगा, बिल्कुल उत्तर खूब मिला, भगवान ने बड़ा अवसर दिया। और इस शास्त्र के अंदर मैंने इतनी स्पष्ट वाणी पढ़ी, क्या मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, आगे क्या कहा, वो खुद को उभारे वो खुद को उठाए, वाह आत्मीय आत्मी शब्द लगाया कि तू खुद अपने आप को उठा, तू अपने आप गिरा गए, ले वाणी का सहारा, अपने आप उठ और तलीन हो जाए। कितना स्पष्ट कहते हैं मेरे प्रभु, शाबाश, कितना क्लियर किया। और ये कहां पढ़ोगे सिवाय गीता के, तू अपना ही वैरी है, तू अपना ही मित्र है। अगर भगवान जी की वाणी के अनुसार अपने मन को अंतर्मुखी कर लिया तो हम मित्र बन गए, और अगर बाहर मुखी रहे सुन सुनाकर तो कुछ भी ना हुआ, हमारा मन हमारे साथ वैर कमा रहा है। बच्चे अपनाने से बात बनेगी, सुनने से नहीं। या मेरा पुत्र होगा मेरा स्वर्ग दे देगा, नहीं मेरी मैया, ऐसी बात नहीं कि पुत्र कल्याण करे या ब्राह्मण कल्याण कर दे या ये जो आचार्य जाएंगे ये कल्याण, बच्चे नहीं, ऐसी बात भगवान नहीं मानते। ये जितनी भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है निकाल दो, सुनने से नहीं कल्याण होता, अच्छा गंगा जी में नहाने से कल्याण नहीं होता, ब्राह्मणों द्वारा कल्याण नहीं होता, ये गया जी गए ये क्रिया ये जो आचार्य जी पढ़ा रही है, नहीं ऐसा कल्याण होता। कल्याण तो होना सूक्ष्म शरीर का, कल्याण हमारे इस शरीर का नहीं होना, इसको तो आग लग जाएंगे, सार करके इसको पाए तत्व मिला देंगे। कल्याण तो अंदर वाले का होना है, जिसके लिए किसने कह रहे हैं हमारे सरताज कह रहे हैं, एक ताने में दाखल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवा, हवा जैसे ले जाए फूलो, बड़ा गजब का फरमान। और कितना कलियुग के किसने जाना है, वो ही ईश्वर यानी जीवात्मा, जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें जिसमें क्या गए इरादे गए विचार गए आदत गए भावनाएं गए, वो तो हमारा मन बुद्धि है, वो छाया की तरह होता है। अगर वो स्थूल शरीर में रहते हुए अभ्यास करता है, जाप करता गए, अपने पर निर्भर करता है, अपनाने की चेष्टा करता गए, रातों जागता गए, जाग जाग के अपने आप को समझाता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बता रहा हूं, अब आप गंदी बिट्टियों को निकालो, कितना क्लियर करते हैं, ना छोड़े अभी इसके पर, जिसने अभी शरीर कितना साफ है, फिर भी आप गलतफहमी रहे तो आपकी मत किसी, फिर भी अगर आप मेरे से इंक्वायरी करते हैं तो फिर आप अच्छे नहीं है, फिर मैं आपको बुरा कहूंगा। ये श्लोक सामने रखो ना, ना छोड़ा अभी रिश्ते से शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, और अपने अंदर की वृत्ति निकली, बुजुर्ग कह रहे थे उधर भेज दे, क्यों हमारी अभी शादी हुई है, शादी हुई उसको तो भेज दे, नहीं हम बाहर जाते हैं, हम बैठते ही नहीं है, शाबाश। पर तरीका ये कि अगर आप नहीं बैठे तो चले गए,
आप आज्ञा दें ना, यही हाल हमारे मन का है। हम किसी वृत्ति को आज्ञा दे तो वृत्ति में टिके, अगर नहीं देते तो नहीं टिक सकते। अच्छा टिका के दिखाओ। आप कहते आज के बाद मैंने क्रोध नहीं करना, टिका के वो टिकने वाला बड़े, मैंने ये लोभ नहीं करना, फिर टिके, मैंने ये मोह नहीं करना, रहूंगा माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के अंदर, लेकिन इनको भगवान की अमानत समझूंगा। मैं बताऊं आपको, अगर आपने दिल से कह दी ये भगवान की अमानत है, उनका सुपुर्द नहीं आएगा। ये भगवान का बड़ा भला हो जिन्होंने ये कसौटी दे दी, न हो उसको फिक्रे चुनाव। अगर आपने दिल से कह दिया क्या मैंने इनका चिंतन नहीं करना, भगवान का चिंतन करना, इनका चिंतन होगा ही। अगर आपने ऊपर से अपने आपको धोखा दिया तो चिंतन होगा। और अगर आपने दिल से कह दिया मेरी बेटी कोई पति नहीं छीन दे, कोई बेटी नहीं छीन दे, सब कुछ आपके पास है, लेकिन मानसिक रूप ने आप कह दिया मेरे है ही नहीं, चल खत्म, ये मैंने आज भी छोड़ने, मैंने कल भी छोड़ने, भगवान बड़े खुश होते हैं। देवी हो जैसे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया, मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं जब शरीर के रहते हुए मानसिक रूप में फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट ये मान लिया जाए मेरे नहीं है। कितनी शर्म की बात होती है, जबरदस्ती किसी की अर्थी निकल रही होती है वो छोड़ के जा रहा होता है जबरदस्ती। इस जबरदस्ती के लिए भगवान ने सारी गीता में एक श्लोक कहा है, ऐसे गंदे व्यक्ति जब मर जाएंगे, हाँ मर के फिर क्या होगा, चले जोक दर जोक सब बार बार के माया के हाथों है, बेख्तियार शब्द लगाया विवश होके प्रेम कर जाए। एक ही बार भगवान ने कहा कभी विचार किया, हम तो रिसर्च करते रहती है, भगवान एक एक फरमान की टीकियों की तरह चूसते रहते, भगवान ने ये कहा वाह, ये मेरे इस देव का फरमान कि जिन्होंने पहले तैयारी करके अंत तक निर्मल नहीं किया और ऐसी गंदी वृत्तियां लेके चले गए, ना चाहने पर भी उनको धक्के खाने पड़े। चले जोक दर जोक सब बार बार के माया के हाथ हुए, उनका अख्तियार नहीं चलेगा, अपनी भाषा में कहेंगे विवश, दे आर बाउंड टू रीअपीयर टू रीबर्थ, ना भी चाहे दे आर बाउंड, क्योंकि वो संस्कार लेके गए, वो इंप्रेशन लेके मरे हैं, तो लाजमी तौर पर जन्म अहले किरदार में आते हैं। वो ऐसे घराने में जन्म लेंगे जो बड़े धंधे बड़े कार्य होंगे, विश्वास ही करना है ना, तो क्यों ना भगवान की वाणी पर विश्वास करें, विश्वास के बिना तो आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। ये मेरे स्वामी जी ने कहा था गुरुदेव ने, विश्वास से ही शरीर जिंदा है, तो भगवान पर विश्वास कर लें कि मेरा कल्याण भगवान की वाणी के अनुसार हो गया। संसार पे क्यों विश्वास करें जो कि जा ही रहा है, संसार पे क्या भरोसा, छोड़ो परे ये तो जा रहा है, ये तो मैं धोखा दे रहा है, हम भगवान पे विश्वास करें और आगे बढ़ू, भगवान के उपदेश पे विश्वास करें, पहले भगवान की जात पर बिल्कुल, फिर भगवान के उपदेश पर, है शाबाश, बस बेड़ा पार, पक्का विश्वास। हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, पहले स्त्री पर कर रहे अपने पर ले ले, आप इनको अच्छी प्रकार ले ले, बेड़ा पार ध्यान दे लो, ये ना क्या करो चले जाएंगे मरने के दिन आ जाएंगे, ये वृत्तियां नहीं जाएंगी गाई, अब देख लो थोड़ी दिन ये करके देख लो वो ना आए कि नहीं आए, एक आजमा के देखो, हमने आजमाया आपको बड़े प्रेम से कह रहे हैं, आप इस आजमा के देख लो, नहीं जब तक नहीं पता था मिट्टी पाई सिर के अंदर अंगारे पाए, अब नहीं आप जाएगी गंदी मिट्टी का नहीं देख सकती, आप नहीं ठहर सकती, पाई मिट्टी हमने अंगारे पाए, हमने राख पाई अपने सिर के अंदर, पर आप समझ आ गया वो दुनिया बनाने वाला कह रहा इन्हें छोड़, मैं नहीं कह रहा, मुझे भी भगवान कह रहे हैं, मैं उन्हीं के शब्द आपको याद करवा रहा हूं, मैं तो रिमाइंडर हूं, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं न हस्ती को अपनी मिटाना, जोरदार कहा कर जैसे भगवान ने जोरदार कहा, अरे इन्हें छोड़, क्योंकि हम कल्याण चाहते हैं ना, हम आपके साथ अपनी बेटी चाहते हैं, तो इन छोड़ दे इनको, लो मेरे दाता, भगवान इनको नर्क कहा है, ये गंदी वृत्तियां नर्क पैदा कर देती हैं, नर्क का मतलब हल चल बिटैनी बेकरारी, मन में हल चल, मन में बिटैनी, मन में बेकरारी, तो शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, तो इन्हें छोड़, इनका रिएक्शन बड़ा बुरा होता है, इनमें न जाना कहीं न हस्ती को अपनी मिटाना, अपनी तबाही न करना, अपने आप को न डिस्ट्रॉय कर लेना। भगवान ने कहा है, आप भगवान का कहना नहीं माने तो किसके मानेंगे, हम तो भगवान का कहना मानने के लिए आए हैं, अपना लो, भगवान करे जैसे ये बारहवें अध्याय का प्रसंग और मेरे देवियों सजनों चल रहा है, हमारी भी आंतरिक अवस्था ऐसी बन जाए, निकालो आप गुणों को, जैसे कुत्ते को आप डंडा दूर से दिखा के निकाल देते हैं, मच्छरों के लिए आपने नाना प्रकार के तरीके बना रखे हैं, ये बड़ा अच्छा तरीका आपने बनाया, गुड नाइट रात को जला ली
चल उसकी गंध ऐसी चलती है कि मच्छर आपके मच्छर मर नहीं जाते, मच्छर बेहोश हो जाते हैं, वो आपको काटेंगे नहीं, काम करो बिक्रिया जो है मर नहीं जाएंगी, दुनिया में रहेंगी लेकिन आपको स्पर्श नहीं करेंगी। अगर मच्छर को भगाने वाले ऐसी चीज बना सकते हैं कि मरे नहीं पर आपके शरीर को ना खराब करे, इस तरह गंदी बिट्टियां जो भगवान ने बनाई है मरेंगी नहीं पर आपके अंतःकरण में स्पर्श नहीं करेंगी, क्योंकि आप आगे नहीं देते, पहले आज्ञा दी तो वो अंदर आए, आपने आज्ञा दी नहीं तो नो मोर। समझ लो हमारे जैसे आने का लाभ तो यही है, सुनना है लेकिन सुन के अपना लेना है, जीवन में उतार लेना है, बेड़ा पार। नारिष्यति न देष्टि न शोष्टि न कांक्षति चुप अचुप परित्यागि भक्तिमान समेत्य हरिओं तत्सत् हरिओं तत् हरिओं तत्सत्। इसके पश्चात जब आप जैसे कल्याण कामियों की आंतरिक अवस्था सराहनीय बन जाती है तो जब भगवान कहते क्या संसार में संसारीय आदमियों ने जो सुख के कारण मानेंगे आप नहीं मानेंगे, सुख का कारण आप में सीधे मुझे कुछ जवाब दे दें, संसार में सुख का कारण कब होता है, सुख कब होता है, कब कारण कब होता है, सुख का कारण आप पूरी कोशिश करो नहीं बता सकते, पूरी लगाओ बुद्धि नहीं बता। हालांकि कितना आसान सवाल है, सुख का कारण जब तूतिया आवाजें बजाती हैं, रौनक होती हैं, बधाइयां देती हैं, सुख का कारण, सुख का मुख्य कारण क्या है, सुख का मुख्य कारण मन के अनुकूल होना। सारी शुद्धि ना कहो, जो बात आपके स्वीट विल के अनुसार हो, फॉलो प्लीज, कोई भी घटना संसार का कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट इंसिडेंट, कोई भी घटना कोई भी बात आपके मुताबिक हो, जो आपने मुद्दत से मन में पाल रखी थी, मेरे बच्चे पास जाए, मेरे बच्चे पास जाए तो कुछ समय में पास हो गया, मेरी बच्ची की नौकरी लग जाए तो ये आपने पाल रखी थी, मेरी वहां शादी हो जाए, मेरी वहां वही शादी हुई, अगर शादी होती वहां ना होती, शादी भी हुई खर्चा भी हुआ लेकिन वहां नहीं हुआ, अब आपको कुछ नहीं होगी, प्रत्यक्ष आप देखती हैं आपकी शादी भी, पिताजी ने 1,00,000 रुपया लगाया लेकिन रामगोपाल आपका मन खुश नहीं, क्यों, आपके मुताबिक नहीं हुई, इसका मतलब संसार के प्राणी पदार्थ अपने आप में खुशी नहीं देते, देखो भगवान कितनी छोटी की बात कह रही है, प्राणी पदार्थों का निवाला पिटा जा रहा है, प्राणी पदार्थों में खुशी देने की ताकत नहीं, अगर हम ना चाहे तो पकड़ो, पिकअप 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 अभी पिकअप कर लो बेटे अभी ले ले, संसार के पाणी पदार्थों में अपने आप में खुशी देने की शक्ति नहीं, अपने आप में नहीं, अगर आप ना चाहें तो, अगर आप चाहें तो, एक मेरी बेटी मेरा सिर खा जाती है, मेरी भी क्या कमी, आप देखो बाबू मैं तुझे क्या देखूं, मैं कमाती भी हूँ, चंडीगढ़ से मेरी एक बेटी आई इंक्वायरी करने, क्या मेरा शरीर अच्छा नहीं, बड़ी तेरी सेहत है, क्या मैं सफेद रंग की नहीं हूँ, ठीक है नजर आ रहा है मुझे, और मैं 21-22 रुपए कमाती भी हूँ, मैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का लैक में उसमें लगी हुई हूँ, अच्छा फिर लोग मेरी से शादी क्यों नहीं करते, बड़ी इच्छा, यानी कितनी उतावली, कितनी उतावली, बाबा मैं आज दूसरी बार आपके पास आई हूं, हाँ या तो मुझे यकीन दिला या मुझे आपके पास रख ले, जहां तक मेरी जरूरत करती है, फिर यही मुझे पुजारण बढ़ा रहा है, भक्ति करवा रहा है, तो या तो मेरी शादी करवा, जैसे मेरे महकमा लगा शादी जा, कितनी इच्छा है मन के अंदर, कितनी तड़प है कि मेरी शादी होनी चाहिए, और यहां देखो आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 12 बेटियां ऐसी हैं जो शादी की है, जिंदा दृष्टान्त, शादी में खुशी नहीं है, आपकी चाहना में खुशी है, इस बात को पकड़ लो, कई तरसती है मेरी बच्ची, आज भी एक बच्चा रो रहा था, अकेले नहीं मेरे से दिन कटता बाबा, जब भी मैं आता तो हां नहीं करता, कभी तो हां किसी कर मेरी शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी आंखें रोकता हूँ, बड़ी मुश्किल से सोता हूँ,
बाबा तू हाँ क्यों नहीं करता? काका कोई नजर आए तेरा हाथ पकड़ दी तो मैं नजर करा, मैं पकड़ लेना तेरा हाथ, कोई मुझे नजर नहीं आती। 6 साल तो हो गए तेन बाबा ऐसा कहते कहते, मेरी एकली जिंदगी कटती नहीं, मैं क्या करा, अकेले नहीं मेरा जीवन कटता, एक रास्ता है। और या मेरे कितने बच्चे हैं जिन्हें शादी की है, तो शादी में तो कुछ ना ना कोई, आपने विचार बना लिया है, वो विचार आपको तंग कर रहा। किसी प्राणी पदार्थ में खुशी नहीं, अगर आप चाहें नहीं तो कोई 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 कोई, आप ना चाहें तो कोई खुशी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। आज हमारी एक बेटी जा रिटायर हुई है, उसका जी बड़ी खुश है, जान छुट्टी पर मेरे बड़े इतनी सर्विस की है और एक खुश हो रही है, छुट्टी होगी मेरी, अब मैं जो मेरा बाकी समय था मैं भगवान में लगाऊंगी, मैं जाप करूंगी, भजन करूंगी, गुड। और एक जो उसकी जगह लगी है वो शुक्र मना रही है कि मुझे नौकरी मिल गई, एक ही नौकरी है, एक छोड़ के खुश है। देखो संसार का हाल, एक यहाँ की बेटी छोड़ के खुश है, एक जो उसकी जगह लगाएगी वो लेके खुश है कि शुक्र है रिटायर हुई तो जगह मैनू मिली, वो कहते शुक्र होया कि रिटायर हुई तो भगवान का भजन करूंगी। एक ही चीज है, पदार्थ में नौकरी में खुशी नहीं है, हाउ यू फील इट, द मेन थिंग इज हाउ यू फील, चीज एक ही है, एक छोड़ के खुश है। ओए देखो दीवाला पेटरा दुनिया का, एक छोड़ के खुश, उसको फेयरवेल दे रही है फेयरवेल पार्टी, और उधर वो लेके कुछ चंगा है, चंगा गई परे, वो मेरी जगह पर गई, पोस्ट इज द सेम, वैकेंसी इज द सेम, एक त्याग करने में खुश है, एक लेने में खुश है, इट मींस वैकेंसी में खुशी नहीं, आप फीलिंग क्या है आपकी। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में खुशी नहीं दे सकती, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ना चाहो तो फिर तो खुशी की बात ही खत्म हो गई। भगवान कहते मेरे भगत क्या संसार की मानी गई खुशी को खुशी समझते ही नहीं, मानी गई सो कॉल्ड प्लेजर, इट इज नॉट द एक्चुअल एंड द रियल प्लेजर, इट इज सो कॉल्ड तथा कथित खुशी, अपने पास शब्द है तथा कथित, है नहीं आपने मान लिया है नहीं आपने, आप कहते बेटी भी पैदा बड़ी खुशी होती है, वो भी तब जब आप मान ले तो, अगर आप ना माने तो कोई खुशी नहीं, अगर आप माने तो। एक घराना गए, उनके मेरे ख्याल में 8 बच्चे हैं, 8 लड़के, मैं बात आगे निकल गया, 7 लड़के थे उनके, हाँ बड़ी मनोती मानी, चाहे देवी मान रही होगी या गंगा जी गए होंगे या क्या, हमें एक बहन दे, बड़ी मिलते समाज के लड़की, देखो भी चाहता, देखो एक घराना ऐसी है ना कि हमें दाता लड़की दे दे, जो बांधे वाली दे दे, ये रक्षाबंधन ये बांधेगी, ये करेंगे, दे दे बांधे वाली, ये करेंगे, उनको कहो है, फिर उन्हें मार मार का मारा, ये मैं ताने लगती है की मां लोगों जो है लुट के खा जाएगी, देगी कुछ नहीं, कुछ सारा देश घर में आना निकलना कुछ नहीं, तो लोग ताने मार दिए, अमीर घर से सप मोया ही कभी निकलिया, ऐसे को ताने लगता है कि सप मोया ही नहीं निकलता, क्या सप अंदर अचार बना लेते सपना भी, जिसके घर में दान ना हो तो कहते नहीं अंदर घर में सप मोया ही निकलता, मोया सप अंदर दबा लेते हैं, तो बड़े रोए हे रब्बा में एक लड़की दे दे, हमें एक बहन दे दे, मैं जब 8वां लड़का हुआ तो रोए पिटते, उन्हें फिर ट्राई की चलो अब ट्राई मारने है शायद अब लड़की हो जाए, लेकिन 8वां लड़का फिर, अब लड़के के होने पर रो रहे हैं, फिरते हैं, खुशी नहीं मनाई, किसी को बताया नहीं कि हम तो लड़की चाहते थे, रब ने जुलम किया है, क्या लड़का हो गया, अब आप लड़का चाहते हैं, चाहने की बात है, लड़के में खुशी ना हुई, अगर मैं चाहता हाउ आई फील, भाई इस बात को पकड़ लो, मैं अपने सीने नंदिंगे ना रखू, मेरे सीने से ले लो, संसार का कोई प्राणी पदार्थ, मैं वही परिक्रमा कर रहा हूं, संसार का कोई प्राणी पदार्थ खुशी नहीं दे सकता, अगर मैं और आप उसे चाहे नहीं तो, चाहने पर खुशी मिलती है, ना चाहने पर अपने आप ने कोई खुशी देता है। 1000 रुपए क्या 1,00,000 रुपए की कोई शराब की बोतल दे, शायद आप उठा के मारेंगे और 2 मील पर बोतल जाएगी, क्योंकि आपके मन में उसकी चाहना नहीं, आपके मन में उसकी डार्क साइड बड़ी गहरी उतर गई है, कि किसी महापुरुष ने इसका नाम रखा है शर, आप शर मैंने शरारत, आप मैंने फारसी शब्द है पानी, शर भी फारसी शब्द है, हाँ शर से मैंने शरारत और आप मैंने पानी, शरारत का पानी जिसको पीने से अंदर शरारत ही सूझे, इसलिए मुसलमानों ने हम बोलते हैं मनुष्य नर, उन्होंने नाम रखा भाई वो गैर जिसमें शरारत ना हो, वो इंसान जिसमें शरारत हो वो शैतान है, उन्होंने नाम रखा बशर, बेशर शरारत नहीं जिसमें वो बशर, इसका पहला नाम रखा बच्चे बेजमशर, इसको इकट्ठा बना दिया बशर, जिसमें शरारत ना हो, तो ये तो शरारत का पानी है, हर बार चाहे करोड़ हम तो नहीं पियेंगे, और एक तरसता गए रब्बा आज सानू पौआ ही नहीं मिलेगा, बोल ही नहीं सकते,
रोटी ना मिले, कपड़े पहनने को ना मिले, कुत्ता पहले भले मुंह चकते पर एक कौआ तो मिल जाए। तो शराब में नहीं है आपके लिए कुछ भी, मैंने रखती वो चाहता है तरसता है, तो शराब में नहीं है कुछ आकर। इससे मैंने बता रहा हूँ जो मानी गई खुशियां लड़के में, ना शादी हुई खुशी हुई और उनका आठवां लड़का हुआ रो पड़े। अच्छा उसकी शादी जहां वो चाहता था, शादी तो हुई 1,00,000 रुपए बाप पे लगाया, लेकिन जहां वो चाहता था चाहती थी नहीं हुआ। शादी तो आपकी हुई, हाँ आपकी चंडीगढ़ में शादी हुई, हाँ और दहेज भी बहुत दिया गया, हाँ लेकिन आप वापस आ गई तो आगे बाबा कारण यही कि वो मुझे नहीं चाहता था। मैंने कहा नहीं चाहता तो मेरा अंगूठा ले तो पैर दे भी अंगूठे, तू उसके साथ खुश था मैं अपने रब नाल खुश। प्रत्यक्ष रूप में बैठा हूं मैं, देख रहा हूं अपनी बेटी के सामने छोड़ छुड़ा करके सामने आ गई। अच्छा हुआ मेरी बेटी तुझे भगवान ने सत्संग दे दिया, तेरा मन इधर लग गया। हजारों रुपए से उन बड़बों का कर्जा देना था दिया, लेकिन देखा कि वो तो मन ही उनका कहीं और है, छोड़ छुड़ा के वापस। ऐसे ऐसे दृष्टांत यहां भगवान ने भेजे गए, प्रत्यक्ष दृष्टांत छोड़ के साथ अपने आप में तो खुशी ना होगी। ये सिनमी है लोग कमी से फड़वाती है पर, और आपको कोई मुफ्त भी दे टिकट रोज गए हम नहीं जाएंगे, हमें मत कहो, कोई कहे हमें मत कह रहा भैया, एक बार तो फिर न कह रहे। आप इतने चिड़ती है सिनेमा के नाम से, पार्क के नाम से, क्लबों के नाम से, क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं। देख लीजिए जरा, मुझे हैरानगी हुई निहाल चंद क्या कह रहे थे एक भाई के, बाबा तेरी कोई बात सुनिए, तेरा कोई आदमी आता है कौन? मेरा फलाने क्लब में नाम लिखवा दे, फिटे मुंह तेरा क्लब में उसी जगह नहीं मिल रही थी, तो क्या बटेरे आती है, शायद कोई वाकफ हो तो मेरा वापर मैं तरफ से यानी मेंबरशिप मुझे नहीं मिल रही। और आप ना भी सुनने को तैयार नहीं, एक तरफ से मेंबरशिप तो मुझे मिल जानी चाहिए, जैसे क्लब ना हुई कुछ वर्ग के जूते मिलने हैं, बट इफ यू फील इट। इसलिए एक बार मेरे कहने पर बेटी अगर नहीं पढ़ा तो एक बार फिर पढ़ो, शेक्सपियर का एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, एक बार फिर पढ़ना। इस पहले तो हमने इम्तिहान पास करने के लिए पढ़े, अब यार शिक्षा प्राप्त करने पड़िए एज यू लाइक इट। शेक्सपियर से जहां तक बन पड़ा है ये तो बेचारा अंग्रेज, पर जहां तक उससे बना उसने क्लियर करने की कोशिश की है एज यू लाइक इट। ये चीज अच्छी है, हाँ नो डाउट एज यू लाइक इट। ये चीज तो बहुत बुरी है एज यू लाइक इट, दोनों तरफ जवाब आएगा। ये चीज अच्छी है इफ यू लाइक इट, ये चीज तो बड़ी बहुधा इफ यू डोंट लाइक। कुछ क्लियर करने की कोशिश की है उसने, चाहे वो पूरी उस फिलॉसफी को प्रकट नहीं कर सके। अगर चाहती हो तो चीज है, नहीं तो एक लक की चीज भी कक की है इफ यू डोंट लाइक। इस प्रकार की चीजें मिल गई हो तब तक अच्छी है अगर हम चाहते हैं। अच्छा चाह के नहीं, कुछ साल चाह लिया फिर नहीं चाहते, वो पति गया वो पत्नी गई, हाय वो बेटा गया वो बेटी गई। नहीं चाहते तो यह हाल देखो संसार में स्पष्ट रूप से, नहीं चाहते तो वो मकान भी गया, हाय नहीं चाहते तो वो माला भी गया, वो पड़ोस भी गया। अगर नहीं चाहते हाय, ये शरीर कितना प्यारा लगता है, इसके लिए नानक क्या पापड़े वेले जाती है, इसके लिए क्या क्या नहीं किया जाता। मैं यहां रहते हुए मुझे कई बरस गुजर गए और कितने आत्महत्याएं इस लाइन के ऊपर हुई है, अपने पावर हाउस से लेकर इस जखीरे तक कितनों ने आत्महत्या की, नहीं चाहते तो शरीर की भी धज्जियां उड़ा दे। मुझे खींच के ले गया लेकिन मैं जा नहीं सका, यहां तक आके आगे नहीं गया कि बेटे मुझसे नहीं देखा जाएगा। कुछ समय में एक लड़की ने जो टीचर है गांव में पढ़ाने, उसने आत्महत्या की, क्या आगे गाड़ी के आगे भाग पड़ी, धज्जियां उड़ गई शरीर की, क्या पत्र भी साथ सुनाया मेरे बच्चे ने मुझे, कह रहे थे क्या कि कुछ समय पहले मुझे कुत्ते ने काट दिया था, मैंने गलती से नहीं टीके टीके लगवाए, अब मुझे हल्के शुरू हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा तो अनेकों को हानि पहुंचाएगी, तो मैं अनेकों को कुटिया बांध के काटूंगी, मैं ही अपने टुकड़े कर दूंगी। नहीं चाहती तो शरीर भी नहीं रखना, हाय हाय बेटी अगर तू नहीं चाहती तो शरीर की धज्जियां भी उड़ा दो। ये जो ये शरीर के लिए हम सब कुछ पापड़े गलती है, एवरी काइंड ऑफ गुड एक्शन बैड एक्शन फॉर दिस बॉडी सेक, हम बॉडी भी नहीं रखते अगर आप नहीं चाहते। काश हम भगवान को चाह ले पूरा रुपये होली एंड सोली, अपने प्रभु को चाह ले वह बेड़ा पार। संसार की चीजें चहने योग नहीं, क्योंकि दुनिया बनाने वाला कह रहा है जो मैंने सृष्टि बनाई अनित्य है दुखदायी है, ये दुनिया बनाने वाला दो शब्दों में कह रहा है। संसार की कोई भी चीज स्टेबलाइज नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, और जो चीज टिकी हुई ना हो वो दुख देती है, उसका परिणाम क्या होता है दुख। देखो दलील के साथ भगवान कह रहे हैं तुझे दुख की दुनिया आई, आगे सब लगाया फानी,
फानी का मतलब होता है जो दो तीन रहे या कुछ समय रहे चली जाए, इसका उल्टा है लाफानी, यानी नाशी। हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे अविनाशी। संसार की चीजें चूंकि नाशी है इसलिए दुखदाई, पर दुखदाई किन के लिए? जो इनको चाहे, अपने आप नहीं कि हमें कोई चीज आके दुख दे, आ बैल मुझे मार ना, पहले बैल के आगे खड़े हो गए तो बैल सिंह मारेगा, वैसे बैल नहीं मारना। सांप की बांबी में उंगली दी जाएगी तो सांप काटेगा, अपने आप में सांप नहीं काटना। इसलिए परमात्मा हमारे क्या कह रहे हैं इस प्रसंग में, सारवी श्लोक में, जो सुख से सुखी हो जो दुख से। संसार का सुख माना हुआ है नहीं सुख, और वो अज्ञानता से हम मान लेती है। मेरे सजनों, वो मेरी कल्याणकामी देवी, हम अज्ञानता से इनमें खुशी दे रहा है नहीं, इनका हमने प्रयोग करना था, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी धन इत्यादि अपने अपनी काया का प्रयोग, हमने इसका प्रयोग करके इससे खुशी लेने की कोशिश की, पाया गप, पाया दुख, पाई चिंता, पाई बेचैनी, बहुत बेचैनी पाई, इससे नहीं था, इसमें आराम चैन, यही तो हमने धर्म स्थानों में जाके सीखना था कि जो मैं चाहता हूं वो कहां है। धर्म स्थानों का एकमात्र काम यही था, हमारी आंतरिक मांग को पूरा करना। बाहर की मांग तो माँ बाप पूरा कर देती है, कौन नहीं पूरा? आपके दो मांगे हैं, एक अंदर की मांग, एक बाहर की मांग। बाहर की मांग माँ कर देती है, पिताजी कर देते हैं, कोई मांग में फरमाइश पिछले कहूंगा, मांग को फरमाइश कहता हूँ, पिताजी ने की, माता जी ने की, बड़े भाइयों ने की, बड़ी बहन ने भी की। हाँ, आपकी नारियों की मांग कौन नहीं करता बच्चे? पहले माँ, पहले माँ, फिर पिताजी ने की, बड़े भाई ने की, हाँ, उसके बाद आपके पति ने की, फिर आपकी औलाद ने की। जो बाहर की मांगे हैं, मेरे ये ले दे, ये मकान हो, ये सब, लेकिन 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 जो अंदर की मांग है वो धर्म स्थान में बताते थे। अंदर की एक ही मांग है, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, बाहर की मांगे अनेक, अंदर की मांग एक। क्या? जो मैं चार दिन मान के लाया हूं, मैं खुशी से कैसे काटूं? लो, ये थी हमारी मांग। सारे धर्म स्थानों का, दुनिया भर के धर्म स्थानों का यही एक काम था आपको बताना, आपकी अंदर की मांग पूरी कैसी हो। ओ वाह, वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे प्रभु। धर्मस्थानों का एकमात्र उद्देश्य, अगर कुछ और हो तो मुझे बता दो, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा अगर मुझे और प्रकाश डालोगे तो। बाहर की मांग पूरी करना जहान का काम था इंसान की, और अंदर की मांग पूरी करने का धर्म स्थानों का काम। जो धर्म स्थान आपको बताए आपके अंदर की मांग है शांति, आराम, चैन, वो बताए, ये चैन मिलेगी कहां? पहले तो स्थान बताए, मिलेगी कहां? अच्छा, पर इतने से नहीं बात बनती बेटी, अगर बता दे कि वहां जाके मिलेगी, नहीं, धर्म स्थान अधूरा हो गया। मिलेगी कहां? वहां नहीं, साथ ये बताए किस तरीके से मिलेगी। इन दो बातों का विस्तार या अकल हमें धर्म स्थान देगी, मिलेगी कहां और किस उपाय से मिलेगी। हमें समझ आती थी कि ये भगवान से अंदर की मांग शांति मिलेगी, किस उपाय से? भाई, या तो भगवान के लिए कर्म कर, या भगवान का भगत बन जा, या ब्रह्म ज्ञानी बन के अंतर में घुस जा। हिंदुस्तान तीन तरीके बताता है भगवान की जात में तलीन होने के लिए, या तो सब काम अपने मालिक के लिए किए जाए अंतर निर्मल हो जाएगा, या अपने आप को समर्पित कर दिया जाए भगवान के तो मन अंतर्मुखी जाएगा, या अंदर खोज करके तन से परे होके मन में निकल जाए, मन से परे होके बुद्धि में, बुद्धि से परे भगवान में तलीन जाए, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। आप परमेश्वर, पातशाही कहती है ऐसा ब्रह्म ज्ञानी तो परमेश्वर का रूप हो गया, जो तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, उसको मेरे कृष्ण क्या कैसे साथ में जाएंगे? क्या जो ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, जो चारों में ज्ञानी गए वो सरताज गए, वो यकदिल है उससे यकदिल हूं मैं, वो कायम है उसकी मंजिल। ये तीन तरीके से ये धर्मस्थान बताया करते थे। आज देखो धर्मस्थानों का हाल हो रहा है, अगर ये नहीं तो धर्मस्थान चार दीवारी का नाम थोड़ा होता है, ईंटों का नाम थोड़ा है, या आपको पुजारी जी है या पाठी जी बैठे, इसके नाम धर्मस्थान नहीं। धर्मस्थान हमारी अंदर की मांग को पूरा करे, जैसे हमारी बाहर की मांग को माँ बाप बहन भाई पति पत्नी पूरा करते हैं। ये संसार संबंधी मांगे गए, हाँ बाबा अगर बाहर की मांग पूरी हो गई तो फिर अंदर की मांग की क्या जरूरत है? सिर मत थे, आपने बहुत अच्छा कहा, ओ मेरी मैया मेरी अच्छी बिटिया, आपने बहुत अच्छा कहा, अगर बाहर की मांगे पूरी हो गई तो फिर अंदर की मांग क्यों पूरी गए? इसलिए कि बाहर की मांगे पूरी होने के बाद तसल्ली नहीं होती। ओ सजनो, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, बाहर की मांगे पूरी होने के बाद तसल्ली नहीं होती। यार रब इनमें तसल्ली रख देता, सेटिस्फेक्शन इनमें दे देता, नहीं तसल्ली होती।
माँ के चुमचक लेने से नहीं तसली होती, पिताजी का अपना बना नहीं तसली होती, बहन भाइयों का लाड़ प्यार देने लेने से नहीं तसली होती, पति और पत्नी को अपना बना लेने से और बच्चे बना लेने से, उसके जिस्म का एक अंग बन जाने से नहीं तसली होती, बड़ी बड़ी पदवियां इज्जत मान बड़ियाई रुतबे लेने से नहीं तसली होती। फिर ये तसली कहाँ होती है? जीव की तसली भगवान से होती है। इसलिए दो स्थान बनाए गए, एक जहान एक स्थान भगवान का, जिसे मंदिर या धर्म स्थान कहती है। आज सिर्फ चार दीवारियां, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, उल्टा धर्मस्थान जिन्होंने फसादों की जड़ तोड़नी थी, उल्टा लड़ाइयों के फसाद की जड़ बन गया। फरमा ये बताया ना, धर्म हमको पूछती है कि धर्मस्थान का मतलब क्या है, जो मुझे बाहर से नहीं मिला, अरे रब ने स्थान बता, वो मेरी शांति और आराम है का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।